ये संगीत मन को शांत करने का सबसे बड़ा साधन है और इसीलिए विदेशों में संगीत थेरेपी भी शुरू हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर में एक पशु चिकित्सा गायों पर संगीत के प्रभाव को लेकर शोध कर रहे हैं, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। वे पिछले 2 साल से रोजाना गौशाला में जाकर गायों को कई घंटे बांसुरी की धुन सुनाकर उनका इलाज कर रहे हैं। बांसुरी की धुन और वो भी गौशाला में सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कान्हा और गायों का रिश्ता जीवंत हो उठा हो। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर भी गायें मंत्रमुग्ध हो जाती थी। इसी को आधाहायक पशु चिकित्सक डॉक्टर ब्रजेश झलावा बांसुरी के माध्यम से गायों का सफल उपचार कर रहे हैं। पिछले 2 साल से वो इसी तरह रोजाना गौशाला में आकर गायों को बांसुरी सुनाते हैं। इनका मानना है कि इस ध्वनि चिकित्सा से गायों के ऊपर अद्भुत प्रभाव सामने आने लगे हैं। मैं यहाँ पे रेगुलर शाम के समय में आता हूँ, तो 2 घंटे 3 घंटे जितना मुझे समय मिलता है अपने काम के बाद, तो मैं यहीं पे समय बिताता हूँ। जो शोध कर रहे हैं कि बीच में बांसुरी गाने के बाद में काफी चेंज लग रहा है, परिवर्तन लग रहा है। जी बिल्कुल, गायों में जो देखा है तो गाय जैसे पहले तनाव में रहती थी तो कम खाना, दूध कम देना या और भी जैसे पाना नहीं छोड़ना, कई तरह की बीमारियां गायों को होती थी। दूध पे असर पड़ा दूध पे भी? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पहले भी इससे शोध हो चुका है कि जब गाय बांसुरी की आवाज सुनती है तो गाय दूध देने में, जैसे अपन कहते हैं कि जैसे गाय को 5 लीटर दे रही है, तो जब गाय बांसुरी की आवाज सुनती है तो लगातार 5 से 6 7 8 और कई बार तो दुगना दूध तक भी उसका फायदा देखा गया है। बांसुरी की धुन से गायों की चिकित्सा के पीछे भी एक कहानी है। गौशाला के संचालक कहते हैं कि आज से 2 साल पहले इस गौशाला में एक गाय की प्रसव के दौरान हालत बिगड़ी, तो इस मरणासन गर्भवती गाय को पशु चिकित्सक ब्रजेश ने दवाओं के बजाय लगातार बांसुरी बजाकर सुनाई। लगभग 8 घंटे बाद गाय ने साधारण प्राकृतिक तरीके से बच्चे को जन्म दिया और तभी से इन सभी गायों को रोज शाम बांसुरी सुनाई जा रही है। एक बार एक बहुत कमजोर गाय हमारे यहाँ प्रसव पीड़ा की वेदना से व्यथित थी कि तभी ब्रजेश जी उसका इलाज कर रहे थे, तो अचानक हमारे दोनों के मन में ये भाव आया कि वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है और जिसके कारण उसको मन उसका स्थिर नहीं है, तो उन्होंने बोला कि अपन इसको बांसुरी का वादन करते हैं। तो वो तुरंत बांसुरी का वादन उसको सुनाया गया, जिससे उसको बहुत रिलैक्सेशन हुआ और उसने आसानी से अपना प्रसव कर दिया। तभी से हमें ऐसा विचार बना कि इनके मानसिक शांति के लिए या इनके रिलैक्सेशन के लिए बांसुरी की धुन अत्यंत कर्णप्रिय होने के कारण इनका कंसंट्रेशन अच्छा बन जाता है और अच्छे रिजल्ट आते हैं। इस गौशाला में पल रही गायों के दूध का सेवन करने वाले भी इस बांसुरी की धुन से गायों में आए परिवर्तन और दूध की क्वालिटी को असाधारण और अति उत्तम मानते हैं। उनका कहना है कि पशु चिकित्सक का ये प्रयास सराहनीय है। संगीत के प्रभाव के कारण दूधों की गुणवत्ता और उसकी जो स्वाद है और उसकी पौष्टिकता पर वही प्रभाव पड़ता है। जहाँ वो अधिक दूध देती है वहीं उसके दूध में भी जो है वो स्वाद बढ़ जाता है और उसकी पौष्टिकता में भी अंतर। जाहिर है युवा पशु चिकित्सक का ये प्रयोग गौशालाओं के लिए बेहद कारगर साबित होगा। एक तरफ तो सनातन परंपरा का निर्वहन होगा तो दूसरी तरफ गायों के दूध की पौष्टिकता भी बढ़ेगी। लेकिन जरूरत है गौशालाओं में ब्रजेश झालावा जैसे पशु चिकित्सक और संगीत के महारथी। प्रदीप एस चौहान, न्यूज 18 सीहोर।